मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव्युस दशरथ अजर बिहारी। आज इतिहास का वो क्षण है जो अगली कई युगों तक भुलाया नहीं जाएगा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वितीय है और चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है और शुभ योग का निर्माण हुआ हुआ है और अयोध्या में राम लला के मंदिर की स्थापना हो रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस परम पवित्र पूजा में स्थापना में खुद शरीक हुए, इस स्थापना में पूजा के लिए आज जो यजमान थे वो आदरणीय नरेंद्र मोदी थे। कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम हमारे रग रग में बसे हुए हैं, राम हर जगह रम रहे हैं। आज 498 वर्षों का कलंक जो भारत की छाती के ऊपर, सनातन धर्म की छाती के ऊपर लगा हुआ था, आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, इनके अथक प्रयासों से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अथक प्रयासों से आज वो सपना पूरा हुआ। रामलला के मंदिर का भव्य निर्माण एक नया इतिहास रचने जा रहा है। और मित्रों, एक बात ध्यान रखिए कि इस निर्माण के लिए, इस फैसले के लिए ना तो उच्च न्यायालय को कभी बुलाया जाएगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सनातन धर्म और हिंदू धर्म, इन दो महानुभवों को शत शत प्रणाम करता है, इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। सबसे उससे पहले कश्मीर में 370 और अब राम मंदिर का निर्माण, इसके लिए हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के हिंदू समाज, सनातन समाज बधाई के पात्र हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि ये पूरा समाज, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अटल बिहारी वाजपेयी, बाला साहब ठाकरे और राम मुरली मनोहर जोशी, इन सब का ऋणी रहेगा। अगर मैंने कोई नाम नहीं लिया तो क्षमा चाहता हूं। 498 वर्षों में, पिछले 60 वर्षों में जो आंदोलन हुए हैं, जो उस आंदोलन में भाग लिया है जिन जिन लोगों ने, उन सबको नमन करता हूं मैं। और आज इतिहास, इस ऐतिहासिक घड़ी का जामिन, इस ऐतिहासिक घड़ी को अपनी आंखों से देखने का जो मुझे दुर्लभ अवसर मिला है, उसके लिए मैं भगवान का शत शत प्रणाम करता हूं, भगवान का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे उस युग में जन्म मिला जिस युग में राम मंदिर का, राम लला का फिर निर्माण हुआ। इसलिए एक बार फिर मैं ये कहता हूं, जय श्री राम।